हेलो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स इंट्रेंस पेपर तैयारी कर रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वाई टी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस फोर वाई इक्वल टू टू ई टू द पावर टी, देन लिमिट टी टेंस टू इनफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी वाई टी इज। ऑप्शन है 2/3, 2/5, 2/7 एंड 2/9। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास पहले हमें चाहिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए जहां पर भी हमारे पास जैसे वाई है वहां पे डी एम पुट कर देते हैं, वाई है वहां एम पुट, और जहां पे डबल डैश जितना भी डेरिवेटिव है वहां पे उतनी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर है यहाँ पे प्लस 4m इक्वल टू जीरो, सॉरी 4m² + 4, जहां पे डेरिवेटिव y को कॉमन ले लेते हैं। इस तरह इसको लिखने का सिंपल तरीका जो है हमारे पास वो है d² / 4d(x²) + 4dy = 2e^t था, तो यहां पे ये बेसिकली t² चल रहा था। ये हमारे पास अब यहां से यहां पे जहां पे भी d/dt है वहां पे m पुट करना है, तो हम यहां पे पुट कर देते हैं हमारे पास, और यहां पे 4 ओनली 4 है, तो ये हो गया m² + 4 = 0। तो यहां से आ गया हमारे पास m = ±2i, तो यहां से हमारे पास m = ±2i आ गया। तो इसे cf हम लिख सकते हैं, cf = c1 cos 2x 2t + c2 sin 2t। ये फिर cf आ गया। अब हमें pi निकालना है, तो pi निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास बेसिकली pi/1fdqx। तो यहां पे 1/fd क्या है, यहां से देखते हो d² + 4, और ये है हमारे पास 2e^t। अब यहां पे अगर देखें ये अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस कंडीशन में मतलब e^(α t) होता है, और अल्फा की वैल्यू यहां पुट करके देखते हैं d की जगह, और नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन में हम यहां पे लिख देते हैं जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख देता हूं 1/d² + a² कुछ हो हमारे पास, और 2e^(α t) = ये टू को हटाइए, ये हो गया हमारे पास e^(α t)/α² + a² ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे अल्फा की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो कॉन्स्टेंट आ गया जाएगा e^(t), ये आ गया हमारे पास d² + यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है 1, तो 1² + 4, ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास इसका pi आ गया। अब फ्रेंड्स, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम इसका, तो y = complete solution, ये हो जाएगा हमारे पास c1 cos 2x + c2 sin 2x + 2/5e^(t). और अब हमसे पूछा क्या है हमारे पास e^(-t)/y, ये हमें चाहिए, फिर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे हम, तो दोनों तरफ हम e^(-t) का मल्टीप्लाई करते हैं, तो e^(-t)/y = c1 cos 2x e^-t + c2 sin 2x e^(-t) +, तो ये हमारे पास e^(0) हो जाएगा, क्योंकि आधा समान होने पर घात जुड़ जाती है, और e^(0) का वैल्यू 1, तो ये हो गया 2/5। अब फिर से अगर लिमिट t→∞ अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे हो जाएगा लिमिट t→∞ हर फंक्शन पे हो जाएगा, तो बेसिकली मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ये हो गया यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी t→∞ यानी e^(-∞), उसको हम लिख सकते हैं 1/e^(∞), और ये इन्फिनिटी तो 1/∞/0, तो ये 1/∞=0 हो जाएगा, तो ये 0, ये 0, तो हमारे पास ये हो गया 0 + 0 + और ये कॉन्स्टेंट है 2/5। तो फ्रेंड्स, इससे हमारे पास इक्वल टू 2/5, यानी ये वैल्यू जो है लिमिट t→∞ e^(-t)
वाई टी इक्वल टू टू वाई फाइव, तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।